तो लास्ट में कुछ पढ़े थे, आज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग शुरू करेंगे। देवी और सज्जनों, सब लोग तैयार हैं? तैयार हो जाइए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए सब भाई लोग तैयार हैं? ठीक है, शुभारंभ किया जाए। एक क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, टेंशन न ले। आइए। हाँ भाई साहब, इसमें क्या है, बहुत ही ये सिंपल सा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। थोड़ा सा ध्यान दें, हम सभी जानते हैं ये एक्स एक्सिस है, इधर पॉजिटिव होता है और ये एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, ठीक है ना। इधर धनात्मक पॉजिटिव नंबर इंटीजर, इधर जो है नेगेटिव है ऋणात्मक नंबर होते हैं, ठीक है ना। ये जो है वाई एक्सिस पॉजिटिव होता है और ये वाई एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, ओरिजिन के नाम से जानते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। किसी भाई को तकलीफ तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो यह है अपना ओरिजिन, मूल बिंदु, जिसको जीरो जीरो कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो जीरो कोऑर्डिनेट, मतलब एक्स का वैल्यू भी जीरो और वाई का वैल्यू भी, हाँ पहले एक्स का वैल्यू होता बाद में वाई का वैल्यू, तो एक्स और वाई दोनों का वैल्यू क्या होता है, यहां पर जीरो होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तकलीफ नो? तो ये है जीरो जीरो कोऑर्डिनेट, मतलब मूल बिंदु ओरिजिन, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, बातें ना करेंगे। जैसे हम लोग ये एक्सिस है, तो कोई एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट बनाएंगे, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट बनाते हैं, तो एक्स एक्सिस पर एक्स का तो वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक्स एक्सिस पर एक्स का वैल्यू कुछ ना कुछ, लेकिन एक्स एक्सिस पे एक्स तो भाग गया, लेकिन वाई का वैल्यू देखो वो जीरो के सामने ही रह जाता है, तो वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस पे कहीं भी है ना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो एक्स एक्सिस पे एक्स का कोई ना कोई वैल्यू होगा, एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, उधर है तो माइनस है, माइनस टू, माइनस थ्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स एक्सिस पे हमेशा वाई का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। वाई यहां पर क्या होगा, जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड सिमिलरली वाई एक्सिस पे वैसा ही हम लोग वाई एक्सिस पे बात करें, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे वाई का तो वैल्यू ऊपर चला गया, बढ़ गया ऊपर, है ना, लेकिन एक्स का वैल्यू इधर बढ़ता है, इधर बढ़ता है, लेकिन यहां तो जीरो का सामने ही रह गया, तो इसलिए एक्स का वैल्यू जीरो बोलेंगे और वाई का वैल्यू जो भी हो वो बढ़ेगा कुछ ना कुछ, है ना, एक दो तीन चार पांच, निगेटिव में जाएंगे तो माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, कुछ भी हो, कुछ वैल्यू होगा, लेकिन वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, एक्स का वैल्यू हमेशा शून्य होगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो सबको याद रहेगा कि एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू कुछ होगा लेकिन वाई का वैल्यू जीरो होगा, और वाई एक्सिस पे वाई का वैल्यू कुछ होगा और एक्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। कोई दिक्कत तकलीफ भाई लोग समझ पा रहे हैं आप लोग? थैंक यू भाई। अब जैसे हमें कोई लाइन दे दिया, हमें पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़ना है, ए एक्स
प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यह है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, है ना। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, समीकरण है, ठीक है ना, सीधी सरल रेखा का ये समीकरण है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन का, ठीक है ना। तो कोई भी लाइन जो है, कोई भी रेखा, जैसे कुछ लिख दिया कि 2x प्लस 3 बाई इक्वल टू 5, 6, कुछ भी लिख देगा ऐसे करके, ठीक है। तो एक लाइन, एक रेखा बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजरती है। एक लाइन यदि आपसे पूछे कि वन लाइन पासिंग थ्रू द, है ना, कितने हमनी पॉइंट, बोले इनफिनाइट, कितने, हाँ बहुत सारे, कितने पॉइंट्स, इनफिनाइट, इन्फिनिटी, अनंत, बहुत सारे इनफिनाइट पॉइंट से पास करती है ना, लाइन पासिंग थ्रू द इनफिनाइट पॉइंट्स, है ना, बहुत सारे अनंत बिंदुओं से पास करती है। ये सब एक लाइन ऐसे पास की, कहीं से ऐसे पास की, है ना, कोई एक्सिस है और एक लाइन ऐसे पास करे, मान लो ऐसे पास की, ठीक। तो यहां से बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे बिंदुओं से एक लाइन गुजर सकती है, ठीक है ना। तो एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से पास कर सकती है, बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजरती है, ठीक है भाई। तो एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से, बहुत सारे बिंदुओं से होकर पास करती है, गुजरती है, कोई दिक्कत तकलीफ, नो, ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा स्ट्रेट लाइन का, पूछे कि कितने बिंदुओं से होकर गुजरती है, तो बोलेंगे बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजरती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत भाई साहब, ओके। अब ये कहा, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, कहे कौन सा लाइन, पूछा भी एग्जाम में कि ओरिजिन से होकर गुजरेगी, क्वेश्चन दिया रहेगा कि कौन सा लाइन जो है ओरिजिन से, मूल बिंदु से, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मूल बिंदु से गुजरेगी, कौन सी लाइन। देखो जी, मूल बिंदु से गुजरने का मतलब यह है कि x का भी जीरो और y का भी जीरो होना चाहिए, ठीक, मतलब x और y दोनों जीरो हो तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म्स होगा ही नहीं, कांस्टेंट टर्म्स ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू डायरेक्ट जीरो होगा, तभी वो ओरिजिन से होकर गुजरेगा। जैसे हम x के लिए जीरो लिखेंगे तो y भी जीरो आएगा, यदि हम y को जीरो कर देंगे तो x भी क्या आएगा, जीरो आए, जब x जीरो हो तो y भी जीरो होना चाहिए, समझ रहे हैं बात को ना, y जीरो हो तो x भी जीरो होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें x y दोनों जो है ना जीरो आए, तो वही लाइन जो है ओरिजिन से पास करती है। तो कोई लाइन ओरिजिन से पास तभी करेंगे जब उसके कॉन्स्टेंट टर्म c नहीं होगा, c नहीं होगा, ठीक है ना, तभी बोलेंगे वो लाइन ओरिजिन से पास करेगी, ठीक है भाई। जैसे कि पूछा एक बार एग्जाम में, तो ऑप्शन दिया, कहा कि 3x प्लस 2 बाई इक्वल टू 6, क्या ये लाइन गुजरेगी, कहा 3x प्लस 4 बाई माइनस 12 इक्वल टू 0, क्या ये गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। कहा कि 4x प्लस 3 बाई इक्वल टू 0, क्या ये गुजरेगी, ये गुजर गई है ना, क्या सभी गुजरेंगी, सब कैसे गुजर जाएंगे, है कि नहीं, ठीक है ना, किस तरह रहेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ओरिजिन से वही लाइन पासेस करेंगी, ओरिजिन से मूल बिंदु से वही लाइन गुजरती है, ओरिजिन से कौन सा लाइन गुजरेगी जिसमें सी नहीं हो, सी, हाँ सी मतलब कांस्टेंट टर्म क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना, इसमें कांस्टेंट टर्म जीरो होगा, वही जो है मूल बिंदु से ओरिजिन से होकर पास करेंगी, ओरिजिन से होकर गुजरेंगे, ठीक है भाई, समझ में आ रहा सबको, ओके भाई साहब, ठीक है ना। देखिए फटाफट, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, सबको समझ रहा कि लाइन कैसे पास करेगा ओरिजिन से, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म जीरो होगा तभी कहेंगे ओरिजिन से गुजरेगी, ठीक है भाई, सबको समझ में आ रहा है बातें, ओके भाई साहब, मिटा दूं इसको, समझ गए सब लोग, ओके।
जैसे कहा कि, ध्यान सुनिएगा, 2x + 3y = मतलब 6 दिया हुआ है, ठीक है। 2x + 3y = क्या लिखा है, 6 लिखा है, ठीक। कहा कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है, यस रेखा, एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु से, एक्स एक्सिस पे कोई बिंदु है, वहां से गुजरी है ये, द लाइन 2x + 3y = 6 पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। कहां से पास की है, हाँ, लाइन इतना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, है ना। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है जहां से ये रेखा गुजरी है, ये रेखा कहां से गुजरी है, उस पॉइंट से होकर गुजरी है, ठीक। तो हमसे कहा कि यदि एक्स एक्सिस पे स्थित उस बिंदु से गुजरी है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे बिंदु क्या होगा, तो इसने कहा कि एक्स एक्सिस से गुजरी है, कहां से, यस एक्स एक्सिस से गुजरी है, तो हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू क्या होता है, एक्स एक्सिस पर जो है वो वाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। आप मेरी बात समझते हैं, तो एक्स एक्सिस पे वाई का वैल्यू 0 होता है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर वाई 0 है, यस और नो देवी और सजनों, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं, थैंक यू। वाई का वैल्यू क्या है, यहां पर वाई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो वाई का वैल्यू यहां 0 हो गया। समझा, वाई का वैल्यू 0 क्यों हुआ, क्योंकि एक्स एक्सिस पे एक्स का तो वैल्यू होता है, वाई क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। तो वाई का वैल्यू क्या है, 0, तो एक्स और कितना आ गया, 3, तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट 3, 0 हो गया, क्या हो गया, क्योंकि एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो 3, 0। एनी प्रॉब्लम, मेरे बात समझ में आ रहा ना, ओके ना। फिर कहा यदि यही क्वेश्चन में ऐसा होता कि 2x + 3y = 6 मान लो, ऐसे कहता कि ये लाइन y एक्सिस से होकर गुजरी, द लाइन 2x + 3y = 6 पासिंग थ्रू पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ये रेखा 2x + 3y = 6 y अक्ष पर स्थित एक बिंदु से होकर गुजरती है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो y अक्ष पर उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक, y एक्सिस, y अक्ष पर, तो y एक्सिस पे, y अक्ष पर x का वैल्यू क्या होता है, y एक्सिस x = 0, ठीक है ना। y एक्सिस पे क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, समझ में आया सबको, y एक्सिस पे क्या होगा, x का वैल्यू 0, तो जब x 0 हो जाए तो y इसका वैल्यू क्या बोलेंगे, 2, y = 2, यस यस, हाँ भाई, तो x पॉइंट कहां होगा, x का 0, y का, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 2, क्या हो गया कोऑर्डिनेट, 0, 2, समझ में आ रहा सबको, तो ऐसे करके y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट निकाल देंगे, कोई दिक्कत तकलीफ, नो, क्या बना सकते हैं, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन लिखिए यहां पर, ठीक है ना, लिखिए, लाइन लाइन रेखा, लाइन 3x, द लाइन 3x + 4y, द लाइन 3x + 4y पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, द लाइन 3x + 4y = 12 लिखना, = 12, क्या, द लाइन 3x + 4y = 12 जरूरी है ना, द लाइन 3x + 4y = 12, द लाइन 3x + 4y = 12 पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन y एक्सिस, ठीक है ना, रेखा 3x + 4y = 12, रेखा 3x + 4y = 12 वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु से, वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु से होकर गुजरती है, कहां से गुजरती है, वाई अक्ष पर स्थित एक बिंदु से होकर गुजरती है, लिख ले सब लोग,
कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं. तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. तो वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या है? वाई अक्ष पर स्थित उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालें, ठीक है ना. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. कितना आया? 03. क्या सबका है ये? थैंक यू वेरी मच. देखिए कोई दिक्कत तकलीफ? हाँ जी चल रही है, ठीक है. अब कल से सोए मत रहना. देखो क्या सबका आ गया भाई लोग? कोई पूछना चाहते हैं तो उठाइए अपना हाथ. यहां देखा जाए फटाफट तेजी में जरा. कौन सी लाइन थी? 3x + 4y = 12, ठीक है ना. ये जो लाइन है, जी हाँ, यहां देखिए, कभी कभी नहीं भी चलेगा, ध्यान से, ठीक है ना. द लाइन 3x + 4y = 12. यहां देखिए भाई साहब, ये कहां से पास करती है? y एक्सिस से. तो इसका मतलब क्या हुआ? x बराबर, तो x का वैल्यू 0 हो गया. तो y का बराबर क्या होगा? 3 हो गया. y बराबर ओके. तो कोऑर्डिनेट क्या है? 3 0 3 0 3. तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट 0 3 है. क्या है कोऑर्डिनेट? 0 3. एनी प्रॉब्लम? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके बनाएंगे, ठीक है ना. क्या बना सकते हैं? बिल्कुल बनाएंगे, ठीक है ना. वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा. यहां देखें प्लीज, बातें नहीं करेंगे. जैसे दिया है 2x + 3y - 6 = 0, 3x + 2y + 12 = 0, ठीक है ना. सब लोग मेरे बात सुन पा रहे हैं? थैंक यू भाई साहब. ध्यान दीजिएगा, ये दो रेखाएं हैं, टू लाइन्स है ना, दो रेखाएं. ये दोनों रेखाएं टू लाइन्स, ओके भाई साहब. दोनों एक्स एक्सिस को ही काटती हैं. क्या करती हैं? बोथ द लाइन इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है ना. दोनों रेखाएं एक्स एक्सिस को काटती हैं, दोनों काटती हैं एक्स एक्सिस को, ठीक है ना. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स. तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, है ना. उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालें, ठीक है भाई. तो एक्स एक्सिस को काटती है तो वाई क्या होगा? एक्स एक्सिस को काटती है तो वाई क्या होगा? एक्स एक्सिस को काटे तो वाई क्या मानेंगे? 0. तो वाई दोनों में 0 हो गया. तो 2x = 1 में क्या आएगा? और 3x - यही ना. तो x = -3 और y = -4, -4. यस और नो? यस सर, ओके. तो इसने कहा कि देखो x का वैल्यू यहां पर 3 है और x का वैल्यू इधर आया -4, ठीक. इधर 3 यूनिट की दूरी पर है तो 4 यूनिट, तो 4 और 3 कितना हो गया? तो आगे हम जो डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाएंगे ना, तो डिस्टेंस फॉर्म सिखाएंगे तो आपको उससे भी सिखाएंगे, उससे भी निकाल सकते हैं आप कि यहां कोऑर्डिनेट 3 0 है, यहां का -4 0 है.
तो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन यहां पर जब एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं इधर में 3 यूनिट, इधर में 4 यूनिट, 4 और 3 कितना हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2.7 यूनिट, है ना, दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया 7 यूनिट। मेरे बाप भाई लोग समझ पा रहे हैं या नहीं, क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? बिल्कुल समझ गए, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, फटाफट बोला जाए, लिखे द लाइन 3x प्लस 4y, अरे भाई साहब, द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24, द लाइन 3x प्लस 4y, द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 लिखे, एंड द लाइन 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, द लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 एंड द लाइन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 intersect the y axis at a certain point, the line 3x plus 4y is equal to 24, other line 2x minus 3y is equal to 12, intersect the y axis at a certain point, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, रेखा थ्री एक्स प्लस फोर बाय इक्वल टू 24, रेखा 3x प्लस 4y इक्वल 24 और 2x माइनस 3y इक्वल 12, 2x माइनस 3y इक्वल 12 y अक्ष को एक निश्चित बिंदु पे काटती है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। आगे सबका कितना आगे भाई, क्या आया, कॉपी नहीं मिल रहा, कहां रखा है, किसी को दिक्कत, कोई पूछना चाहते हैं भाई, कोई नहीं, सोच लो, ठीक चले आगे, क्या आंसर आया, देखिए जरा क्या था लाइन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, किसको काटा, y एक्सिस को, किसको काटा, तो y एक्सिस पे x क्या होगा, तो y बराबर और y बराबर, ओके, तो एक कोऑर्डिनेट जो है इधर 6 इकाई पर है और इधर -4 इकाई पर है, तो 6 4
तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगा क्या होगा, 10 यूनिट होगा। आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? किसी भाई को दिक्कत तकलीफ, क्या पैसा बना सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, थोड़ा सा बात करेंगे। सबका आ गया भाई? कोई दिक्कत समझने में? क्यों बकवा करते रहते हैं भाई साहब? यहां देखिए फटाफट, हंसी नहीं। कहा कि एक लाइन दिया रहेगा, अभी ऑप्शन वेस्ट क्वेश्चन होंगे कि ये लाइन किस बिंदु से होकर गुजरती है, पूछा एग्जाम में क्वेश्चन है। ऐसे आपको दिया रहेगा कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 8, ठीक है ना? ये लाइन किस बिंदु से होकर गुजरती है, ठीक है ना? तो भाई एक लाइन तो बहुत सारे बिंदुओं से होकर गुजरती है, बहुत सारे, लेकिन जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। नहीं, अभी कोई लाइन जिस बिंदु से होकर गुजरी है तो उसका वैल्यू पुट करेंगे उस इक्वेशन में तो उसको सेटिस्फाइड करेगा ना, क्योंकि उस बिंदु से गुजरी है तो, है कि नहीं? तो ऐसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे आप पहला ऑप्शन है 02, दूसरा ऑप्शन है 20, तीसरा ऑप्शन है 21, चौथा ऑप्शन है 12, क्या चौथा है क्या सचमुच है? ओह वेरी वेरी गुड, ठीक है ना? क्या आपको समझ में आ रही बातें? ओके वेरी गुड, समझ में आ रहा सबको ना? देखिए हम जानते हैं कि एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से होकर गुजरती है, बहुत सारे पॉइंट से गुजरती है ना, जिससे आप बचपन में ऐसे पढ़ते होंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, तो आप ऐसे दसवीं क्लास में ग्राफ बनाते होंगे, याद है? ऐसे करके है ना, बहुत सारे लाइन x y ऐसे पुट करते थे, है? हाँ ग्राफ बनाते ना दसवीं क्लास में। ओके, अब यहां पर मानते थे कि x का वैल्यू 0, x का 0 होगा तो y 3 दुनी x 0, तो y क्या होगा 2 होगा। अब जब y को 0 मानते थे तो 2 से भाग दो, तो y, जब y 0 है तो x कितना है? मेरे बात समझ में आ रहा है ना? फिर कहते थे कि जब y का वैल्यू यदि 1 है, कुछ ही लिखते थे 1, 3 1 ऐसा है ना, तो माइनस किया 2x बराबर कितना हो गया 3x बराबर 3/1 पॉइंट, तो x का वैल्यू 1.5 होगा। यस और नो? मेरे बात सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ओके, तो कहने का मतलब यह है कि ये सारे जो है ना, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सिखाया कि एक लाइन बहुत सारे पॉइंट से होकर गुजर सकते हैं, बहुत सारे पॉइंट से गुजरते हैं, ठीक है ना? और जो भी वैल्यू उसमें पुट करेंगे तो उस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। जैसे हम x 0 लिखेंगे तो y 3 दुनी 6, तो 6 आ गया जोड़ने पर, जब ये 3 लिखे 3 दुनी 6 0, देखो भी कंडीशन सेटिस्फाइड, समझ रहे ना? सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, ठीक है भाई? किसी को दिक्कत तकलीफ? नो। तो वैसे ही ये भी क्वेश्चन से दिया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बच्चा ला CPSI में आया था, दिल्ली पुलिस एसआई में, कि कौन सा जो है, मतलब इसमें है ना, ये लाइन किससे गुजरती है। तो हम बहुत सिंपल सी बात है देख लेंगे, वैल्यू पुट करके, पुट कर दे, देखो 0 और 3 दुनी 6, 6 और 0 8 हुआ क्या? तो ये गलत है। यहां देखो 2 दुनी 4 और 0, 4 और 0 8 हुआ क्या? तो ये भी गलत हो गया। यहां 2 दुनी 4, 3 एकम 3, 2 दुनी 4 और 3, क्या ये होगा क्या? नहीं। यहां पुट करते हैं 2 एकम 2 और 3 दुनी 6, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया?
क्या ये हो पाया? क्या तो ये हो गया इसका मतलब, ठीक है ना। तो ऐसे करके थर्ड ऑप्शन क्या हुआ? सही हो गया। ओ फोर सही हो गया, ठीक है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? तो इसको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एक इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। अभी सॉल्व करने के लिए देगा तो दो इक्वेशन देगा, ठीक है ना। एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट निकालना हो तो क्या देगा? हाँ, एक नहीं देगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा भाई साहब? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। इसके आगे की बातें जो रात थोड़ा कम पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। हाँ हाँ, बारिश ने लेट कर दिया सर जी, ठीक है ना। कल जो है हम लोग खूब पढ़ेंगे पक्का, ठीक है ना। ठीक है ना, आज इतना ही, थोड़ा सा कम ही पढ़ते हैं आज।